एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जागत है वो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। बचपन से लेकर आज तक ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने उगता हुआ सूरज नहीं देखा हो। मैं हमेशा सुबह 4 से 4:30 बजे उठ जाता हूँ। ये मैंने नहीं, ये कहा है बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने। हर सुबह हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि हम सुबह जल्दी उठें और अपने सपनों को पूरा करें, दूसरा ये कि हम सोते रहें और बस सपने ही देखते रहें। अब चॉइस हमारी है, जो आप आज चूज करोगे उसका असर आपको आने वाले समय में दिखेगा। हमें रोजाना 24 घंटे की एक नई जिंदगी मिलती है, अगर आप उसमें भी सोते रहोगे तो जिंदगी में हमेशा सोते ही रह जाओगे। हम जानवरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, सुबह चाय पी ली, दोपहर में खाना खा लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर ली और फिर रात में फोन देखते देखते सो गए, फिर वो ही सुबह 10 बजे उठकर ये ही सब। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल आदमी की बायोग्राफी पढ़ लो, उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी और वो सब सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह उठने की समस्या हर किसी को होती है, पर जो सफलता पाने की चाहत रखते हैं सुबह उठने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और सुबह उठने से आपका पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है और उनका दिन इतना अच्छा जाता है कि पूछो ही मत। आपने भी कई बार अपने दोस्तों को कहा होगा कि मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा कर डालता। लेकिन अगर आप वाकई में अपने आप से पूछने बैठोगे कि आपके पास वक्त क्यों नहीं है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि आप बहुत समय से सुबह जल्दी उठना तो चाहते थे लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी को कष्ट ही नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको सब कुछ तो माँ बाप से बिना मेहनत के ही मिल जाता है। दोस्तों, अगर दिन बदलने हैं ना तो सोच बदलनी होगी। इस दुनिया में किसी को भी बिना मेहनत के ना मिला है और ना ही कभी आगे मिलेगा। जब आप लेट उठते हैं तो आप अपने जीवन में सिर्फ वो काम कर पाते हैं जो आपके जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, जिसके बिना आपका जीवन चल ही नहीं पाएगा। और इन कामों में कब सुबह से शाम हो जाती है आपको खुद पता नहीं चलता है। एक व्यक्ति सुबह 8 बजे उठता है और एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है। अब 5 बजे उठने वाला व्यक्ति पहले से ही दूसरे व्यक्ति से 3 घंटा आगे चल रहा है। जब 8 बजे वाला व्यक्ति उठेगा, जब तक 5 बजे उठने वाला व्यक्ति के दिन के सारे महत्वपूर्ण काम पहले से ही खत्म हो चुके होंगे। 8 बजे वाला व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए काम करेगा, जबकि 5 बजे उठने वाला व्यक्ति अपने जीवन को बदलने के लिए काम करेगा। कई बार पर्याप्त समय का ना होने का रोना आप भी रोए होंगे। लोगों को सुबह अलार्म और घड़ियां नहीं, बल्कि उसे उसकी जिम्मेदारियां उठाती हैं। नहीं तो इस दुनिया में ऐसे करोड़ों व्यक्ति हैं जो जाकर भी सुबह नहीं उठ पाते और अलार्म बजने के बाद भी उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। कभी आप अपने पापा और मम्मी से पूछना कि वो सुबह जल्दी क्यों उठते हैं, और उनका एक ही जवाब होगा, जिम्मेदारियां। इसलिए अगर आपको जल्दी उठना है तो अच्छी सी अलार्म घड़ी या मोबाइल टोन नहीं, बल्कि लाइफ के लिए एक अच्छा सा पर्पज ढूंढे जो आपको बेकार में सोने ही ना दे। कोई व्यक्ति तुम्हें रोकने नहीं आएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें टोकने नहीं आएगा, कोई व्यक्ति तुम्हारी नींद खराब करने नहीं आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने जीवन को खराब कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसकी नींद को खराब करके क्या ही उखाड़ लेगा। लेकिन याद रखना, आज जिन आंखों में बहुत नींद है, बहुत आलसी छाई हुई है, जिन आंखों को आज उठने का मन नहीं कर रहा है, यही आंखें आपको बहुत जगाएंगी जब आपके साथ वाले सफल हो जाएंगे, किसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे और आप यही सोते रह जाएंगे। तब आपकी आंखों में नींद जरूर होगी लेकिन आप सो नहीं पाओगे। तो उस वक्त का इंतजार करने से अच्छा है अपने समय का सदुपयोग करें और समय से उठें और अपने जीवन को बदल डालें।